साथियों, आज हम जियोग्राफी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। सो साथियों, पहला प्रश्न है, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं? तो साथियों, पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग देख सकते हैं। अगला है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है? तो साथियों, जो भूमध्य रेखा से ऊपर का भाग है वो उत्तरी गोलार्ध है, वहाँ पर 21 जून सबसे बड़ा दिन है। किस तिथि को रात और दिन बराबर होते हैं? तो साथियों, 21 मार्च और 22 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना है? तो साथियों, 1011 वर्ष तक, अरब वर्ष तक सूर्य द्वारा ऊर्जा देने का समय है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? तो साथियों, सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी है। अरुण ग्रह की खोज कब हुई? तो साथियों, अरुण ग्रह की खोज 1781 ईस्वी में हुई। पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं? तो साथियों, सौर वर्ष कहते हैं। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का क्या कारण है? तो साथियों, अक्ष पर झुकी होने के कारण, पृथ्वी अक्ष पर झुकी होने के कारण ऋतु परिवर्तन है। प्लेटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई? तो साथियों, पहले ग्रह 9 थे, लेकिन अब वर्तमान में ग्रहों की संख्या 8 है। तो प्लेटो ग्रह की मान्यता 24 अगस्त 2006 को समाप्त कर दी गई। अगला प्रश्न है, बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो साथियों, बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में 88 दिन लगते हैं। सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? वरुण ग्रह सबसे दूर है। कौन से ग्रह जिसके उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र के उपग्रह नहीं है। और साथियों, अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? क्योंकि ये बुध सूर्य के एकदम पास होने के कारण कम समय लगता है। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो साथियों, शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। किस ग्रह पर जीव रहते हैं? तो साथियों, ये पृथ्वी ग्रह पर जीव रहते हैं। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो साथियों, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिन में लगाती है? तो साथियों, 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड में लगाती हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि जल की उपस्थिति यहाँ ज़्यादा है। किस उपग्रह को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है? तो साथियों, चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। और अंतिम प्रश्न है, चंद्रमा क्या है? तो साथियों, ये चंद्रमा उपग्रह है। और साथियों, आपको कमेंट में बताना है चंद्रमा किसका उपग्रह है। और साथियों, इसी प्रकार की लेटेस्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, जिससे आपको इस चैनल से प्रसारित होने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।